दोस्तों, अगर आप लोग भी रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से हो गई है। मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से रोहित शर्मा की जगह पर किरण पोलार्ड को कप्तान के रूप में मैदान पर लोग देखकर हैरान रह गए। हालांकि रोहित शर्मा के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी चेन्नई के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा नहीं थे। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल न होने पर फैंस के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। हालांकि पोलार्ड ने टॉस होने के बाद सबके सवालों का जवाब दे दिया और बताया कि क्यों रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद खास वीडियो। टॉस होने के बाद जब किरण पोलार्ड ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आखिर क्यों रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं थे। पोलार्ड ने कहा कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के फिटनेस में थोड़ी समस्या चल रही है। पोलार्ड ने आगे कहा कि आगे होने वाले मैचों में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फिट होकर मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से आप लोगों को खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के टीम में न होना मुंबई इंडियंस टीम के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, क्या आप लोग भी रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।